राम नगरी अयोध्या में इस समय राममय होता जा रहा है पूरा का पूरा माहौल, और लगातार यहां पर देश भर से लोग पहुंच रहे हैं और 22 तारीख के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। एक ग्रुप है, 10 लोगों का ये ग्रुप है, साइकिलिस्ट हैं और ये साइकिल से ही पुणे से अयोध्या पहुंचे हैं। कई किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अयोध्या यहां पर पहुंचे हैं और इस दौरान कई दिन लग गए यहां पर पहुंचने में ये साइकिलिस्ट ग्रुप। सर कितने दिन लगे होंगे आपको? 13 दिन। 13 दिन जी, और लगातार आप लोग चलते रहे, बीच बीच में ब्रेक भी लिया होगा? रात को हम नहीं चलाते थे। अच्छा। सवेरे ही चलाते थे। अच्छा। और किसी किसी दिन थोड़ा देर हो जाती थी। हाँ। रात के 8 जैसे यहाँ पहुँचे तो हमें जल्दी पहुँच गए। अच्छा। कल हम लोगों ने लंबा तय किया था। साइकिल से आने के पीछे क्या मकसद है? आप लोग साइकिलिस्ट हैं लेकिन आने के पीछे क्या मकसद था? मकसद बड़ा सीधा सा है कि हम लोगों की भक्ति को दिखाने का एक तरीका है। और कई लोग पैदल चलते हैं, कई ट्रेन से आते हैं, प्लेन से आते हैं। हमारी भक्ति का एक ही मकसद था कि हम साइकिल से आए और अपनी भक्ति का एक तरीके का निदर्शन दें। वैसे तो गिलहरी की तरह हम भी चल रहे हैं। तो अलग अलग विभागों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आर्मी से हूँ, ये है ट्रांसपोर्टर बहुत बड़े, ये हमारे साथी हैं जो पुलिस विभाग में हैं, ये हमारे साथी हैं, ये एडुकेशनिस्ट हैं। एक मिनट साइकिल पकड़ो। तो ये देखिए अलग जी, ये है भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, ये एक ज्वेलर हैं हमारे, ये पुलिस विभाग में काम करते हैं, ये हमारे पुलिस विभाग में एक्स कार्यकर्ता हैं, एसपी हैं, सुपरिंटेंडेंट पुलिस रिटायर्ड, ये एक टाइल्स के कार्यकर्ता हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं सिविल के, ये एक बिजनेसमैन हैं जो किचन के काम करते हैं जी। तो सर कहाँ से कहाँ पे आप एसपी रहे हैं? हम पुणे महाराष्ट्र में रहे, महाराष्ट्र। अच्छा। में तो रेगुलर आप साइकिलिंग भी करते रहे होंगे? करते रहे। अच्छा। हाँ। तो पूरा कितना टाइम लग गया यहाँ पे पहुँचने में? हमें 13 दिन लग गए। 13 दिन? हाँ। अच्छा। इससे पहले मैं नर्मदा परिक्रमा की थी साइकिल पर, 28 दिन में। अच्छा। पूरा 2700 किलोमीटर का जी। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा रूट का डिटेल भी है, अगर आप देखें रूट मैप भी है। और ये देखिए पुणे से अहमदनगर, अहमदाबाद, अजंता, बुरहानपुर, ओमकारेश्वर होते हुए हम लोग इंदौर, उज्जैन, राइट, ये सब करते हुए आए। फिर लास्ट का हम लोगों का थोड़ा सा रूट हमने चेंज किया क्योंकि हमको शॉर्टन करना था। 2000 किलोमीटर है? 2000 किलोमीटर की ओरिजिनल प्लान था। अच्छा। लेकिन हम लोगों का करीब 1600 ऑड हुआ है, मतलब 1600 किलोमीटर चल के आए हैं आप लोग साइकिल से, राइड करके आए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पूरा मतलब इस दौरान थकावट भी महसूस हो रही थी या पूरा जैसे पूरा का पूरा अयोध्या नगरी राममय हुई है उसी जोश में आप लोग पहुंचाए यहाँ पे? बिल्कुल, जब राम जी साथ में हो तो फिर किस बात की चिंता। That's how it's been. Of course, ये फिजिकली एफर्ट वाला बहुत बड़ा एफर्ट करने वाला ये श्रम रहा है, लेकिन स्पिरिचुअली बहुत एनलाइटनिंग रहा है। अच्छा। तो ये 22 तारीख तक यहीं पे रहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हम लोग 24 तारीख तक यहाँ पे है। अच्छा, 24 तक, और 22 तारीख के जो कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल। अच्छा। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए 10 लोगों का ये ग्रुप है, अयोध्या से चला था और 1600 किलोमीटर की जो यात्रा रही है साइकिल से वो पूरा करके पुणे से अयोध्या पहुंचा है। और इन लोगों का कहना है कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम समारोह, उसमें भी शामिल होने होंगे। हालांकि ये रेगुलर जो साइकिलिंग करते रहे हैं लेकिन एक कोशिश ये थी कि जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का जो यात्रा है वो साइकिल से चलकर यहाँ पर अयोध्या पहुँचे और 22 तारीख के कार्यक्रम में शामिल हों। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, अयोध्या, न्यूज़ 18 इंडिया।